हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, टुडे आवर टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो दिस इज़ आवर न्यू टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड विच पार्ट्स ऑफ स्पीच केम अंडर दिस टॉपिक। ओके, तो ये हम पढ़ेंगे इसमें आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, विदाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच वी कांट मेक अ सेंटेंस। हम कैसे एक सेंटेंस बनाएंगे विदाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच के? और स्पीच क्या होती है? जो भी हम कुछ बोल रहे हैं दैट इज द स्पीच। तो उस स्पीच को बोलने के लिए कुछ वर्ड्स जो है अरेंज किए गए हैं सेंटेंसेस में, तभी ही। जैसे मैंने आपको टेंस पढ़ाया था, तो उसमें पहले सब्जेक्ट अरेंज आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब भी आ रहा है, फिर वर्ब भी आ रहा है, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो ये सब क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो आपके अलग अलग जगह ज्वाइन किए गए हैं, और तभी आपका एक सेंटेंस बनता है। तो स्पीच के लिए आपको कुछ वर्ड्स चाहिए जो पर्टिकुलर तरीके से फंक्शन करते हैं, उनका ग्रामेटिकल फंक्शन क्या है, उन अकॉर्डिंग टू मीनिंग उनका फंक्शन क्या है, वो सब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर पढ़ेंगे। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं, कुछ अलग अलग टॉपिक्स हैं इसके अंदर जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीनिंग क्या होता है कि किस तरह से एक जो ये क्या इंडिकेट करता है कि कैसे एक जो वर्ड है वो फंक्शन कर रहा है, मीनिंग किसी सेंटेंस में उसके मीनिंग में कैसे फंक्शन कर रहा है, एज वेल एज ग्रामेटिकल, उसका ग्रामेटिकल क्या रोल है उस फंक्शन में किसी भी सेंटेंस के अंदर, उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे वो अगर ही लिखा है तो दैट इज द सब्जेक्ट, वो आपका प्रोनाउन है, उसका क्या फंक्शन है वहाँ पे, एज अ सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है वो। उसके बाद आपका ग्रामेटिकली उसका क्या है, वो प्रोनाउन है, ठीक है, वो सेंटेंस के शुरू में लगा हुआ है, तो दैट इज द सब्जेक्ट। अब उसके बाद आपका ही वॉज अ बॉय, तो अब बॉय जो है दैट इज द नाउन, आपका कॉमन नाउन आ जाता है। ये आगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर पढ़ेंगे। तो विदाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच वी कांट फ्रेम अ सेंटेंस। हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में? आप जब देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक्स हैं, और विदाउट उन टॉपिक्स के हम कोई भी सेंटेंस को प्रॉपरली फ्रेम नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है। तो इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इज मस्ट फॉर स्पीकिंग के लिए और फॉर राइटिंग के लिए। ओके, तो ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीनिंग होता है कि किस तरह से जो एक वर्ड है वो फंक्शन कर रहा है, किस तरह से एक वर्ड जो है वो एक्ट कर रहा है किसी सेंटेंस में, उसका क्या मतलब है, वो ग्रामर के अकॉर्डिंग कैसे वो फंक्शन कर रहा है, ये सब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अब देयर आर मेन जो है वो एट टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है, लेकिन कई जगह पे आपको नाइन भी दिखेंगी, तो हम नाइन ही डिस्कस करेंगे। अगर कहीं नाइन है तो आप नाइन का भी आपको समझ आ जाएगा, लेकिन मेन जो है दैट आर द एट पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख रही हूँ, आप देख लेना कि कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसे सबसे फर्स्ट जो है दैट इज नाउन, प्रोनाउन, आपका वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, आपका प्रीपोजिशन, इंटरजेंक्शन, अ
आर्टिकल डिटरमाइनर्स, दीज आर द, ये जो आपका आर्टिकल और डिटरमाइनर है ये बहुत सारी जगह पे आपके एट ही, जो मेन जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एट है, लेकिन कहीं कहीं आपका नाइन भी दिया गया है, तो इसलिए हम नाइन ही डिस्कस करेंगे। आर्टिकल और डिटरमाइनर ये सेम ही है। डिटरमाइनर होता है किस चीज़ के आगे आप उसको जब इंडिकेट करते हैं प्रॉपर, द लगा के, अ लगा के, एल लगा के, दी ज्यादा डिटरमाइनर, जिनको हम आर्टिकल्स भी कहते हैं, वो जब पढ़ेंगे तो तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह से इनका यूज आता है। ठीक है, तो ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है एट। फर्स्ट वन इज नाउन, प्रनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेंक्शन, एंड नाइन्थ वन इज द आर्टिकल और द डिटरमाइनर्स। तो दीज आर द एट एंड नाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। तो आज मैं एक ही डिस्कस करूंगी, दैट इज द नाउन। ओके, तो ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो पहले हम एक को डिस्कस करेंगे नाउन को, उसके बाद हम कल मैं जो है वो फर्स्ट, आज नहीं, कल मैं जो है वो फर्स्ट नाउन को डिस्कस करूंगी, देन आप प्रोनाउन आ जाएगा, देन वर्ब आ जाएगा, देन एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेंक्शन और आर्टिकल। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड व्हाई पार्ट्स ऑफ स्पीच इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। क्यों? बिकॉज विदाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हम कुछ स्पीच दे ही नहीं पाएंगे। विदाउट नाउन, प्रनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव हम कैसे बोलेंगे? जैसे मैं ये काम कर रहा हूँ तो आई इज द प्रनाउन, और काम कर रहा हूँ दैट इज द, काम इज द वर्ब। तो आप इनके बिना, ऐसा नहीं है कि हर सेंटेंस में आपके दे नो ही यूज होंगे, नाइन आपके एक ही सेंटेंस में यूज हो सकता है, किसी में आपके ये दो यूज हो, ये दो यूज हो, किसी में तीन यूज हो जाए, किसी में चार, चाहे जितने मर्जी हो, लेकिन इनके बिना आप सेंटेंस फ्रेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा इनके बिना। आप कैसे सेंटेंस को फ्रेम करोगे? विदाउट आप कुछ भी बोलेंगे, आपको बीच में प्रनाउन, नाउन, जो छोटी छोटी चीजें हैं ये सब आपको मेंशन करना पड़ती है। तो सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो कल हम डिस्कस करेंगे नाउन के बारे में। सो गाइज, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।